नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश चौहान यूट्यूब गाजीपुर फंडरचल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिससे आपका जो हैंडराइटिंग है, जो टाइपिंग है दोस्तों, जिस भाषा में आप चाहेंगे दोस्तों उस भाषा में उसको टाइपिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इंग्लिश में करना चाहेंगे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, दोस्तों कोई भी भाषा जो आपको नहीं भी आती है दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी केवल आती है, आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हिंदी लिखेंगे और वो ऑटोमेटिक जो है दोस्तों ट्रांसलेट होके इंग्लिश हो जाएगा, सामने वाले को आप भेज सकते हैं दोस्तों। उसका जब भी आपको पढ़ना होगा दोस्तों, आप उसके उसके मैसेज को दोस्तों, अगर वो इंग्लिश में लिखा होगा दोस्तों, तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों किसी भी भाषा में अगर वो आपको भेजता है मैसेज, तो उस भाषा का दोस्तों आपको ट्रांसलेट कर लेंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। और इस एप्लीकेशन के थ्रू दोस्तों आप जो आपको जो जिस भाषा का नॉलेज नहीं है, उस भाषा में आप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, जो भी आप सब नहीं जानते हैं दोस्तों, जो भी भाषा नहीं जानते हैं, सारे भाषा का आप जो है अपना चैटिंग कर सकते हैं सारे भाषा से दोस्तों। और उसका जो है आप SMS बना के अपने दोस्त मित्र को भेज सकते हैं दोस्तों, और उसकी भाषा में आप चैटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर दोस्तों। जैसे कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, तो मेरे मोबाइल में प्ले स्टोर है, तो मैं प्ले स्टोर पर चलता हूँ दोस्तों। प्ले स्टोर पर चलने के बाद मैं उस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड करूँगा, फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तब तक बने रहिए मेरे गाजीपुर फंडर चैनल पर। तो आपको लेकर चलते हैं प्ले स्टोर पर। सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर खोलना है, जैसे मैं खोलने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे ये मेरा प्ले स्टोर सामने आ गया दोस्तों, ये गूगल प्ले का सर्च बार है दोस्तों। मैं गूगल प्ले के सर्च बार में यहाँ टाइप करूँगा जी बोर्ड दोस्तों, जी बोर्ड, BOARD दोस्तों। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप किया जी बोर्ड, आप लोग के सामने यहाँ पे जी बोर्ड आ गया है। जी बोर्ड का मतलब दोस्तों द गूगल की बोर्ड, यानी कि दोस्तों ये जो बोर्ड है गूगल का है, गूगल ने इसको स्पेशल बनाया दोस्तों। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आपको भी इंस्टॉल करना दोस्तों। ये इसका रेटिंग 4.3 का, 2 मिलियंस दोस्तों इस पर रिव्यू आ चुके हैं, और आप लोग पढ़ सकते हैं नीचे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस पर लिखा गया, इट्स रियली लाइक दिस कीबोर्ड बिकॉज इट फाइनली मेड बाई फिजिकल कीबोर्ड, डिस्प्ले कोरियन सिंबल विच अदर कीबोर्ड। उससे बहुत ही अच्छे जो है कमेंट्स आए हैं दोस्तों, तो मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। 28 MB का है दोस्तों। अगर आपके पास 4G नेटवर्क होगा दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं अभी अपने 4G नेटवर्क से डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा 4G नेटवर्क यहाँ बहुत स्लो चलता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मेरा इंस्टॉलिंग अब चालू हो गया है दोस्तों। ये 28.214 MB का दोस्तों है ये। जैसे दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा दूंगा कैसे कैसे आपको टाइप करना है दोस्तों, कैसे आप अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से दोस्तों, किसी भी दोस्तों जहाँ भी टेक्स्ट आपको करना होगा दोस्तों, उसको अपने जिस भाषा में आप चाहते हैं दोस्तों, उस भाषा में हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, गूगल बोर्ड ने जो गूगल इसको बनाया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस पर लिखा गया है गूगल LLC टूल्स दोस्तों। और दोस्तों ये वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट, यानी दोस्तों ये जो इसका प्रोटेक्शन है दोस्तों, गूगल की तरफ से बहुत ही सेटेबल दिया गया दोस्तों। भले से ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन दोस्तों, लेकिन बहुत ही बेटर एप्लीकेशन है। अब तो दोस्तों ये गूगल बोर्ड जो भी नई मोबाइल आ रहे हैं दोस्तों, जो जो भी अच्छी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों, उसमें ये बन के आ रहा है ऑटोमेटिक, इसमें दोस्तों लोड आ रहा है। तो जिनके पास ये होगा तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, जिनके पास नहीं है उनको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनको हिंदी तो आता है, इंग्लिश नहीं आता है, कुछ लोग उर्दू में भी टाइपिंग करते हैं दोस्तों, तो उनको उर्दू भी आता है, ये उर्दू नहीं आता है, और जो है कि दिक्कत होती है आपको दोस्तों। ये सारी दिक्कत से आपको निजात करा देगी दोस्तों। ये थोड़ा सा लेट होने में, ये डाउनलोडिंग करने में थोड़ा लेट कर रहा है, लेकिन ये वीडियो बहुत छोटा है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जल्दी मैं करके दिखा दूँ दोस्तों। लोग बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताऊँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। अब लोग बहुत दोस्तों ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किया होगा, ये गूगल इंडिक बोर्ड आता है दोस्तों, हिंदी का आता है दोस्तों। आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज से आप टाइप कर सकते हैं दोस्तों, अपने मुंह से दोस्तों आप बोल देंगे तो भी टाइप हो जाएगा। और दोस्तों अब अगर आप मुंह से नहीं बोल पाते हैं, आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो भी आपका टाइप हो जाएगा दोस्तों। जो भी टाइम लग रहा है दोस्तों इसमें, इसका जो नेट के थ्रू आप लोग देख सकते हैं, आप लोग मेरे सामने इसको कैसे डाउनलोड किया जाता है, मैं सुख करके दिखा रहा हूँ, इस वजह से दोस्तों ये समय लगा रहा है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा डाउनलोड होने में समय लग रहा है दोस्तों। क्या होता है कि अब जब भी टाइपिंग करते हैं, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, किसी लोग को इंग्लिश आती है, हिंदी अच्छे से नहीं आती है, किसी लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, बट अदर लैंग्वेज जैसे अरेबिक हुआ, फ्रेंच हुआ दोस्तों, रसियन हुआ,
कई प्रकार की भाषाएं होती हैं दोस्तों, सभी लोग को ज्ञात नहीं होता वो भाषाएं दोस्तों। तो उस भाषा को ये गूगल कीबोर्ड जो है कि आपके सारे भाषा को इंक्लूड करके बनाया गया दोस्तों। आप हिंदी में ही टाइप करेंगे दोस्तों और आपका इंग्लिश में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर टाइप होते रहेगा। और दोस्तों अगर आप उर्दू में टाइप करेंगे तो आपके सामने, अगर सामने वाला आपको उर्दू में किया है दोस्तों, तो अब हिंदी में टाइप करेंगे दोस्तों ये उर्दू में टाइप होकर जाता रहेगा दोस्तों। और जो टाइप किया दोस्तों उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ को डिटेल में बताऊँगा, आप लोग बस बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पर। 95% 96% ये दोस्तों होने के कगार पर है, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। ये 100% हो चुका है, अब इसका इंस्टॉलिंग हो रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये इंस्टॉल होगा दोस्तों, मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो इंस्टॉल होने तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग दोस्तों। जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग को वैसे ही ओपन करना है, जैसे मैं ओपन करूँगा आपको भी वैसे ओपन करना है दोस्तों। दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे दोस्तों ये ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको इनेबल सेटिंग के लिए दिया गया दोस्तों, स्टेप वन दिया गया। तो आपको करना क्या दोस्तों, ये जो ब्लू रंग का इनेबल इन सेटिंग लिख रहा है दोस्तों, उसको आपको इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ऐसे ग्राफ आ जाएगा दोस्तों, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसका कि सैमसंग बोर्ड दिया गया दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया गया जी बोर्ड, और यहाँ पर दिया गया गूगल इंडिक कीबोर्ड, और नीचे गूगल वॉइस टाइपिंग। दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ से अपना जी बोर्ड ऑन कर देना दोस्तों। ये नीचे आपको लिखेगा ओके, मैं यहाँ पर ओके कर लिया दोस्तों। मेरा ये सेकेंड इनपुट अब देना है दोस्तों, मुझको फर्स्ट इनपुट मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब सेकेंड इनपुट देना है दोस्तों। ये मेरा दूसरा स्टेप है, तो मैं इसको ब्लू वाले को मैं फिर सेलेक्ट इनपुट पर मेथड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों, आप लोग के सामने आ गया है सैमसंग कीबोर्ड जी बोर्ड। तो मैं इसको सबसे पहले वाले पर आप लोग देख सकते हैं जी बोर्ड लिखा गया है, तो मुझको जी बोर्ड वाले पर क्लिक कर लेना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप आ गया दोस्तों, सेट परमिशन, यानी कि दोस्तों ये परमिशन मांग रहा है रेडी होने के लिए जी बोर्ड। तो मैं इसको सेट परमिशन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं ब्लू वाला है, तो मैं सेट परमिशन पे क्लिक कर दिया दोस्तों। जब सेट परमिशन पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ऐसा आएगा अलाउ जी बोर्ड टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है दोस्तों। ऑल सेट कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, तो हमको यहाँ पे डन मार देना है, यहाँ डन कर देना, डन हो गया दोस्तों। तो उनके पास दोस्तों आपको थीम सेट करना है, जो भी सेट करना है दोस्तों, वॉइस टाइपिंग करना है, थीम, टेक्स्ट करेक्शन, ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, फ्रेंस डिक्शनरी, जो भी टाइप का टाइपिंग करना है सब कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों वॉइस टाइपिंग, तो मैं वॉइस टाइपिंग कर दिया दोस्तों, सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो मैं इसको अपने लैंग्वेज में कर लेता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, तो मैं उसको लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश यूएस लिखा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ इंग्लिश यूएस। हैंड राइटिंग दिया गया, तो ओवर पोएट्री दिया गया दोस्तों, तो मैं पोएट्री पे रहने देता हूँ दोस्तों। मल्टीपल टाइपिंग यहाँ से ऑन कर लेना है दोस्तों, नहीं ऑन कोई बात नहीं दोस्तों, मत ऑन कीजिएगा, आप बैक आ जाइए। इसको बैक आने के बाद दोस्तों ऐड कीबोर्ड पर मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों, जैसे मैं क्लिक कर दूंगा दोस्तों, ये हो चुका है मेरा, अब कंप्लीट हो चुका है दोस्तों ये प्रोसेस। तो हमको जाना है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे, जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए मैं अपने व्हाट्सएप आपको लेके चलता हूँ। जैसे दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं अपने व्हाट्सएप पर किसी मित्र को मैं मैसेज टाइप करूँगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं इनको टाइप कर रहा हूँ मैसेज दोस्तों, मैं यहाँ पे जब मैसेज आपको टाइपिंग करना होगा, तो यहाँ पे जी का ऑप्शन दिख रहा है, टाइपिंग के ऊपर दोस्तों जी का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं जी लिखा है, जी के बगल में थैंक्स लिखा है दोस्तों। आपको जी पे क्लिक करना है, जैसे मैं यहाँ पे जी पे क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट के बाद GIF आएगा, GIF के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जिस भाषा में आप टाइपिंग करने आते हैं वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे GR लिखा रहेगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 दोस्तों, चौथे के पहले यानी कि तीसरा नंबर जो ऐसा दिख रहा है आपको, 1 2 और 3 चौथा ऐसा, इस पर आप क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने का दोस्तों लिख रहा है, द टेक्स्ट दैट यू टाइप इन टू ट्रांसलेट बॉक्स विल बी सेंड गूगल फ्रॉम ट्रांसलेशन। तो मैं दोस्तों ये ट्रांसलेशन अपने आप हो जाएगा, तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझको अब यहाँ सेलेक्ट करना दोस्तों लैंग्वेज, जैसे मैं यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, तो मुझको हिंदी सेलेक्ट करना है सपोज दे दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सपोर्ट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ बगल में इंग्लिश है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश हो गया, यानी कि मुझको हिंदी में टाइप करूँगा दोस्तों, या इंग्लिश में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, आप कैसे हो के आई एस सी कैसे हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे हिंदी में टाइप किया, आप लोग देख सकते हैं।
आप कैसे हो, और वहाँ पे आपको व्हाट्सएप की जो टाइपिंग बॉक्स है उसमें लिख रहा है दोस्तों हाउ आर यू। देखिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा मैं इसको सेंड कर दिया। फिर मैं लिखूँगा हिंदी में, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो शायद ये कभी काम नहीं करा, तो मैं इसको फिर से अप करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करना दोस्तों, इंग्लिश टू हिंदी हो गया दोस्तों। तो मैं यहाँ पे फिर आपको टाइप करके दिखाऊंगा, मैं दोस्तों अब यहाँ पे मैं इंग्लिश को अब हिंदी में कर रहा हूँ दोस्तों। मैं तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लिखा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो कॉलिंग आ गया, तो उसका आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको फिर से करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया है, फिर से मैं इसको कर दे रहा हूँ इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम वेरी फाइन दोस्तों, आई एम वेरी फाइन, FINE दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखा दोस्तों, और मेरे ये बॉक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं मैं बहुत ठीक हूँ यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। दोस्तों आपको अगर और भी किसी लैंग्वेज में जाना होगा दोस्तों, सपोज दैट जैसे दोस्तों यहाँ पे फिर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश यहाँ पे है दोस्तों, तो आपको हिंदी कर लेना, सपोज हिंदी कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लीजिए उर्दू, चाहे अरेबिक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अरेबिक आ गया, हिंदी से अरेबिक में एक ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैं ठीक हूँ, मैंने हिंदी में लिखा दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं ऊपर सर्च बार में अरेबिक में टाइप हो चुका है। यानी दोस्तों आप जो भी लैंग्वेज का चुनाव करना चाहेंगे दोस्तों, इसको दबाने के बाद यहाँ पे आप जब भी दबाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सारे से इंग्लिश दबाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों सारे बंगाली, बर्मनीज, कैटलिन, कोटियन, दोस्तों यहाँ पे सारे देश के लैंग्वेज आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। आप अपने दोस्त को हिंदी नहीं आती होगी आपको, तो आप इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, हिंदी में टाइप होगा, अगर इंग्लिश आती होगी, हिंदी नहीं आती होगी दोस्तों, तो आप लोग जैसे होगा, जैसे आप चाहेंगे दोस्तों वैसे इसमें टाइप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जिस देश के लैंग्वेज में आप चाहेंगे दोस्तों, उस देश के लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों कभी मतलब घबराइएगा मत कि मैं नहीं बात कर सकता हूँ किसी कोई भी ऐसे चीज़ में दोस्तों, आप सभी लोग से बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो मैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जो नए यूजर दोस्तों मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।